नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो सरकार ने दी है टेक कंपनियों को राहत, अब अप्रूवल के बिना ही लॉन्च कर सकेंगे AI मॉडल। सरकार से अब अप्रूवल बिना ही जो है AI मॉडल को जो है भारत में अब लॉन्च किया जा सकेगा। दरअसल खुद सरकार ने जो है टेक कंपनियों को इसकी इजाजत जो है दे दी है। दरअसल इस महीने के शुरुआत में जो है भारत सरकार ने घोषणा की है कि तकनीकी कंपनियों को नए AI मॉडल पब्लिश करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। हालांकि भारत ने कथित तौर पर यहाँ पर प्रतिक्रिया के बाद अपना उस विचार को जो है वो छोड़ दिया। अभी AI मॉडल पर काम करने वाली तकनीकी कंपनियां जो है वो अपने मॉडल लॉन्च करने से पहले भारत सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता जो है उनको नहीं होगी। लागी से यहाँ पर अंडर टेस्टेड मॉडल पर लेबल जो है उनको यहाँ पर लगाना होगा। वह टेक क्रंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक और IT मंत्रालय ने शुक्रवार को इंडस्ट्री से स्टॉक होल्डर्स के लिए अपनी AI एडवाइजरी को अपडेट यहां पर किया है। नई एडवाइजरी में कहा गया है कि टेक कंपनियों को देश के अंदर नए AI मॉडल लॉन्च करने से पहले सरकार की मंजूरी लेने की अब जरूरत नहीं है। हालांकि तकनीकी कंपनियों को जो है अविश्वसनीय और अंडर टेस्टेड वाले AI मॉडल को जो है यहाँ पर जो मॉडल जो है उनके लेवल उनको यहाँ पर लेबल यहाँ पर करना होगा ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो रखी जा सके। साथ ही ये AI जो मेड कंटेंट जो है उसके द्वारा उत्पन्न गलत सूचनाओं को कम करने की मदद यहाँ पर करेगा। वही पिछली घोषणा पर सरकार को सोशल मीडिया पर कई व्यवसायों से कड़ी आलोचना यहाँ पर मिली थी जो सक्रिय रूप से AI पर काम कर रहे हैं। बता दें आपको कि पिछले साल केंद्रीय जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और IT राज्य मंत्री जो है राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने पुष्टि की थी कि सरकार AI एप्लीकेशंस को रेगुलेट नहीं करेगी। हालांकि उसने संभावित AI मॉडल्स को यूजर्स के लिए सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाने की मदद के लिए हस्तक्षेप यहाँ पर किया था, लेकिन इसे मिले आलोचनाओं के बाद ऐसा लग रहा है कि इस योजना को कथित तौर पर रद्द कर दिया गया है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, जींस और टी शर्ट पर रोक, महाराष्ट्र सरकार ने टीचरों के लिए जारी की है गाइडलाइन। महाराष्ट्र सरकार ने जो है स्कूलों के जो अध्यापक जो है टीचर्स उनके लिए एक नया फरमान लागू किया। दरअसल सरकार ने अब शिक्षकों के लिए जो है ड्रेस कोड जारी किया है। वह ड्रेस कोड में कई सारी पाबंदियां भी यहाँ पर शामिल की गई है। सरकार की ओर से जारी किए गए ड्रेस कोड के अनुसार अब टीचरों को जींस और टी शर्ट डिजाइनदार और पेंट वाले कपड़े जो है वो नहीं पहने होंगे। वही सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी की है। वह जारी अधिसूचना में कहा गया है कि शिक्षक अपने पहनावे को लेकर सतर्क रहे। वह स्कूल जाने वाले बच्चों पर शिक्षकों के जो अनुपयुक्त कपड़े जो है वो प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। वही सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के तहत पुरुषों और महिलाओं के लिए जो है अलग अलग ड्रेस कोड जो है लागू किया गया है। पहले महिलाओं के ड्रेस कोड की बात करें तो महिला टीचरों को जींस और टी शर्ट और गहरे रंग के डिजाइन या फिर प्रिंट वाले जो कपड़े जो है पहनने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ये भी कहा गया है कि महिला शिक्षकों को कुर्ता दुपट्टा और सलवार चूड़ीदार पहनना यहाँ पर चाहिए। इसके अलावा महिला शिक्षक साड़ी भी जो है पहन सकती है। वही पुरुष शिक्षकों के लिए टी शर्ट पैंट पहनने की सलाह दी गई है जिसमें शर्ट बार ना होकर पैंट के अंदर यहाँ पर होनी चाहिए। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि ये नियम सिर्फ सरकारी स्कूलों के टीचरों पर नहीं बल्कि निजी स्कूलों के शिक्षकों पर भी लागू होगा। हालांकि शिक्षकों ने इसका जो विरोध जो है वो जताया है। शिक्षकों का कहना है कि क्या पहनना और क्या नहीं पहनना है ये उनका व्यक्तिगत मामला है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी खबर। देखिए चुनाव आयोग की नई ऐप हुई लॉन्च, स्मार्टफोन से अब कर पाएंगे आप शिकायत। चुनाव आयोग ने जो है शनिवार को आने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देशभर में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। इसका पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। देश में जो है लगभग 97 करोड़ मतदाताओं का एक्सपीरियंस चुनाव को बेहतर बनाने के लिए चुनाव आयोग कई बड़े फैसले यहां पर ले रहा है। इसके लिए जो है टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया जा रहा है। दरअसल चुनाव के दौरान अगर किसी प्रकार की कोई छेड़खानी होती हुई अगर आप पाते हैं तो उसकी शिकायत आप जो है वो चुनाव आयोग की ऐप जो है सी विगिल ऐप जो है उसके ऊपर यहाँ पर कर सकते हैं। यानी सी विगिल जो ऐप जो है उसके ऊपर जो है आप जो है शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। चुनाव आयोग की इस ऐप के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि एक बार शिकायत मिलने पर हमारी टीम 100 मिनट के अंदर वो पहुंच जाएगी और स्थिति पर काबू जो है वो पा लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें यहाँ पर उम्मीद है कि देश को ऐप को देश के नागरिक बहुत जिम्मेदारी के साथ यूज जो है वो भी यहाँ पर कर पाएंगे। वह आगे जानकारी दी, उन्होंने कहा है कि आज वोटर्स सर्विस पोर्टल का भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वोटर्स
ऑनलाइन फॉर्म जो है इसमें भर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी मतदाता को पोलिंग स्टेशन से लेकर कोई जानकारी चाहिए तो पोर्टल की मदद से उसे हासिल कर सकता है। साथ ही अगर किसी यूजर्स के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वे अपने वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी जो है वो चुनाव आयोग की ओर से यहाँ पर दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। देखिए 256,000 पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों को सरकार ने दिया है तोहफा, क्यों बढ़ेगी सैलरी। पोस्ट ऑफिस में कार्यरत जो कर्मचारी जो है उनके लिए बड़ी खबर। दरअसल मोदी सरकार ने जो है कर्मचारियों को बड़ा तोहफा यहां पर दिया है। दरअसल सरकार ने जो है 256,000 के आसपास पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों को तोहफा दिया है। वही सरकार ने देश भर के पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों को तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम जो है वो लॉन्च की है। स्कीम पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले 256,000 से अधिक ग्रामीण डाक सेवकों की सर्विस को जो है कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर लाई गई है। वह संचार मंत्रालय के अनुसार इस स्कीम के तहत प्रत्येक ग्रामीण डाक सेवक को जो है 12, 24 और 36 साल की सर्विस पूरी होने पर क्रमांक जो है 4,320, 5,520 और 7,200 रुपए सालाना के फाइनेंशियल अपग्रेडिंग जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। वही ये जो यहाँ पर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन जो ग्रामीण डाक सेवकों को टाइम रिलेटेड जो यहाँ पर कंटिन्यूटी अलाउंसेस जो है उसके रूप में मिलने वाले भत्ते के अलावा होगा। वह वैष्णव जो है उन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम बोलते हुए कहा कि कल्याणकारी उपायों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सरकार अब ग्रामीण डाक सेवक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन 2024 जो है वो लेकर आई है।